जमियत उलमा ए हिंद यांच्या वतीने पूरग्रस्तांना करण्यात आली मदत। कोल्हापूर सांगली या जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना जमियत उलमा ए हिंदच्या वतीने चादर, टॉवेल, पाणी बॉटल, सतरंजी, स्वेटर, तांदूळ, साखर तसेच गृहवस्तूस लागणारे सर्व साहित्य कोल्हापूर आणि सांगली येथील पूरग्रस्तांना पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर तसेच नई जिंदगी भागातील जमियत उलमा ए हिंदच्या वतीने पूरग्रस्तांना वाटप करण्यात येणार आहे। तसेच पूरग्रस्तातील नागरिकांसाठी औषध, गोळ्या याचबरोबर डॉक्टरांची सोयही करण्यात येणार असल्याची माहिती मौलाना इब्राहिम यांनी दिली। तमाम समाज की तरफ से जो है इस वक्त कोल्हापूर और सांगली में जो सैलाब बाढ़ आई हुई है उसमें बहुत सारे लोग बेघर हो गए और बहुत परेशानी में है, क्योंकि पूरा इंसानी कुंबा जो है एक फैमिली है। कहीं भी दुनिया में किसी को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो सभी को उसकी तकलीफ महसूस होना चाहिए। तो यहाँ के भी सभी लोग उनके दुख में शरीक हैं, उनके गम में शरीक हैं और अपने हर मुमकिन जो भी पॉसिबल होगा हमसे हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। यावेळी मैनुद्दीन शेख, हाजी अय्यूब मंगलगिरी, मुफ्ती मोहम्मद गौस, युनुस डोणगावकर, हसीफ युसुफ, रफीक इनामदार, अब्दुल रशीद आळंदकर आदि समाज बांधव उपस्थित होता।